भक्त जनों, देवादिदेव महादेव कितने दानी महादानी हैं, उनकी व्याख्या करना कठिन ही नहीं आपितु असंभव है। केवल गंगा जल, बेलपत्र एवं हर हर महादेव कहते ही भोले शंकर हर्षित हो जाते हैं एवं अपने भक्तों को सुखों के सागर से आशाओं एवं मनोकामनाओं के अमूल्य रत्न निकालकर प्रदान करते हैं। शिव की महिमा अपार है, शिवदानी वरदानी एवं महातपस्वी हैं, अपने भक्तों को बहुत अधिक प्रेम करने वाले हैं देवों के देव महादेव। ये महान हैं, इसीलिए सब कहते हैं देवता जितने भी हैं उनमें शिव का प्रथम स्थान है। तो सच्चे मन से बोलिए भगवान भोले शंकर की। भोले शंकर हैं देव महान, भोले शंकर हैं देव महान, भोले शंकर हैं देव महान, भोले शंकर हैं देव महान। हर हर बम बम जय शिव भोले, हर हर बम बम जय शिव भोले, जय हो शंकर नाथ। भोले शंकर हैं देव महान, भोले शंकर हैं देव महान, भोले शंकर हैं देव महान, भोले शंकर हैं देव महान। कभी कभी भोलेनाथ वरदान देकर स्वयं भी कठिनाई में आ जाते हैं, कैसे सुनिएगा इस कथा के माध्यम से। भस्मासुर ने तप करके शिव से ये वरदान मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वह तत्काल भस्म हो जाए। बाबा भोले भंडारी ने तथास्तु कहकर वरदान दे दिया और अंतर्ध्यान होकर वहां से जाने लगे। भस्मासुर अट्टहास करते हुए भगवान शिव के आगे आया और बोला, जाते कहाँ हैं प्रभु, पहले इस वरदान की सत्यता तो आजमा लूं, आपके सर पर हाथ रखकर इसकी शक्ति तो देख लूं। इतना सुनना था कि भगवान शिव आगे की ओर भागने लगे। अब आगे क्या होता है आइए सुनते हैं इस कथा के माध्यम से। फिर तो शिव शंकर भागे, भस्म पीछे शिव आगे, विष्णु के लोक में आए भस्म से जान बचा के, विष्णु के लोक में आए भस्म से जान बचा के, मोहिनी रूप बना कर विष्णु जी आए चल कर, हाथ रखा कर सर पे जलाया उसको नचा कर, हाथ रखा कर सर पे जलाया उसको नचा कर। विष्णु जी ने ऐसे बचाए, विष्णु जी ने ऐसे बचाए भोलेनाथ के प्राण। भोले शंकर हैं देव महान, भोले शंकर हैं देव महान, भोले शंकर हैं देव महान, भोले शंकर हैं देव महान। एक बार बड़े प्रेम से बोल दीजिए बाबा भोलेनाथ की। आइए भक्तों, शिव भोले को नीलकंठ क्यों कहा जाता है उसके बारे में ये प्रसिद्ध कथा सुनिए। समुद्र मंथन के समय
राक्षसों और देवताओं के मध्य यह तय हुआ था कि जो भी वस्तु निकलेगी उसे देवता और असुर आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे। मंदराचल पर्वत को मथनी बना ली, वासुकी को नेति, और भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धरकर मंदराचल को अपनी पीठ पर धर लिया। देवता और असुर मिलकर सागर मंथन करने लगे। सबसे पहले सागर मंथन से भक्तों हलाहल विष निकला। उस विष को ग्रहण करने से देवों और असुरों दोनों ने मना कर दिया। सारी सृष्टि भय से कांपने लगी। अब आगे क्या हुआ सुनिए। देव और दानव बोले विष न हम लेंगे भोले, विष को पी कर कोई क्यों जान आफत में मोले। विष को पी कर कोई क्यों जान आफत में मोले। फिर तो भोले दुख भंजन देख सबको नव जीवन, विष को फिर शिव भोले ने कर लिया कंठ में धारण। विष को फिर शिव भोले ने कर लिया कंठ में धारण। देव असुर का नील कंठ ने, देव असुर का नील कंठ ने कर दिया यूं कल्याण। भोले शंकर है देव महान, भोले शंकर है देव महान, भोले शंकर है देव महान, भोले शंकर है देव महान। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। भक्तों, राजा दक्ष की पुत्री सती जिन्होंने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध शिव जी से विवाह रचाया था, जिस कारण राजा दक्ष बहुत क्षुब्ध हो गए थे तथा शिव जी से सदा अप्रसन्न रहते थे। शिव जी को अपमानित करने एवं नीचा दिखाने के लिए राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उसमें केवल शिव जी को छोड़ सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया। सती भी हट करके यज्ञ में गई और शिव के अपमान से अपमानित हो हवन कुंड में कूद गई। शिव जी क्रोध में हुए, यज्ञ को विध्वंस किया, राजा दक्ष की गर्दन काट दी। परंतु जब दक्ष ने क्षमा मांगी तो क्या हुआ आइए सुनते हैं। शिव से की क्षमा याचना, शिव को फिर तरस जो आया। दक्ष के तन पर शिव ने बकरे का शीश लगाया। दक्ष के तन पर शिव ने बकरे का शीश लगाया। सती के शव को उठाए शिव जी ब्रह्मांड में आए। भक्त भोले भंडारी शोक दुख में थे छाए। भक्त भोले भंडारी शोक दुख में थे छाए। भोले से जो उलझते हैं वो, भोले से जो उलझते हैं वो भक्त तो है नादान। भोले शंकर हैं देव महान, भोले शंकर हैं देव महान, भोले शंकर है देव महान, भोले शंकर है देव महान। बड़े प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। भक्तों, त्रिकाल स्वामी त्रिभुवन नाथ शिव भोले बड़े ही दयालु हैं। कभी भी प्राणी की वेदना उनसे देखी नहीं जाती है। भगवान भोले का मन
विचलित हो उठता है एवं वो भक्त की समस्या का समाधान करने के लिए तुरंत प्रकट हो जाते हैं। कथा एक कपड़े के व्यापारी की है भक्तों। वो व्यापारी बड़ा ही धनी था, परंतु होनी को कौन टाल सकता है। वक्त ने चक्र चलाया, उसके भाग्य बिगड़ने लगे भक्तों, और वो कंगाली के कागार पर आ गया। ऐसे में दिन रात भगवान शिव की आराधना करने लगा। भक्त वत्सल भोलेनाथ प्रकट हुए और उसके सारे कष्टों का अंत कर दिया। भोले को दया जो आई, अर्जी स्वीकार की उसकी, उन्नति पथ पे चलाया और हुई उसकी तरक्की। उन्नति पथ पे चलाया और हुई उसकी तरक्की। कारोबार ऐसा फैला, खूब धन उसने कमाया, शिव के चरणों पे गिर के कारोबारी यूं बोला। शिव के चरणों पे गिर के कारोबारी यूं बोला। मुझ कंगाल को शिव जी तुमने, मुझ कंगाल को शिव जी तुमने फिर से किया धनवान। भोले शंकर है देव महान, भोले शंकर है देव महान, भोले शंकर है देव महान, भोले शंकर है देव महान। भक्तों, अब आपको एक किशोरी की कथा सुनाता हूँ, जिसका नाम था चंदा। वो थी भी चंद्रमा जैसी सुंदर। उसके पिता के मन में उसके विवाह का विचार आया, तो वो चंदा के लिए एक सुयोग्य वर की खोज करने लगे। परंतु इसी बीच चंदा रोगग्रस्त हो गई एवं दिन प्रतिदिन दुर्बल होती चली गई। उसके पिता ने उसका बहुत इलाज करवाया, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। भक्तों, उसके पिता दिन रात चिंतित रहने लगे और अंत में हार कर भगवान शिव की शरण में जा पहुंचे। शिव चरणों में गिरकर उनसे अपनी पुत्री चंदा के स्वास्थ्य की याचना करने लगे। आगे क्या हुआ ध्यान पूर्वक सुनो भक्तों। सुन के उस पिता का दुखड़ा, भोले का मन भर आया। शिव जी ने फिर तो अपना हाथ वरदानी उठाया। शिव जी ने फिर तो अपना हाथ वरदानी उठाया। बेटी का रोग जो भागा, स्वस्थ हो गई फिर चंदा। देख कर शिव का करिश्मा, बाप चंदा का बोला। देख कर शिव का करिश्मा, बाप चंदा का बोला। जीवन दान दिया बेटी को, जीवन दान दिया बेटी को, ये है तेरा एहसान। भोले शंकर है देव महान, भोले शंकर है देव महान, भोले शंकर है देव महान, भोले शंकर है देव महान। ओम नमः शिवाय। आइए भक्त, अब एक सूरदास शिव भक्त की कथा सुनाता हूँ। वो भक्त भिक्षा मांगकर अपना भरण पोषण करता था, परंतु भगवान शिव पर उसकी बहुत आस्था थी एवं वो सूरदास शिव जी की लगन में सदा ही मगन रहा करता था। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ कहता रहता। सावन का पावन महीना आ गया भक्तों।
शिव भक्त कांवड़ ले लेकर शिव दर्शन को निकल पड़े। सूरदास के मन में भी भगवान शिव के दर्शन की इच्छा प्रकट हुई। उसने भगवान से विनती की कि हे भोले शंकर, हे भोलेनाथ, यदि हो सके तो कभी मुझे भी दर्शन दे देना। अब इसके आगे क्या हुआ, आइए बड़े प्रेम और श्रद्धा से सुनते हैं। रात को जब वो सोया, शिव को सपने में देखा, देख कर शिव भोले को भक्त मन में हर्षाया। देख कर शिव भोले को भक्त मन में हर्षाया। होके नतमस्तक उसने शीश फिर अपना नवाया, बैठ कर शिव चरणों में शिव का जयकार लगाया। बैठ कर शिव चरणों में शिव का जयकार लगाया। अपने दर्शन देकर तुमने किया मेरा कल्याण। भोले शंकर है देव महान, 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 भोले शंकर।